नमस्कार दोस्तों एस एस सी सी एच एस एल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है आइए जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी सारी डिटेल को इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको लेटेस्ट वैकेंसी से जुड़ी अपडेट मिलते रहते हैं तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट है करते हैं नोटिस कंबाइंड हायर सेकेंडरी टेन प्लस टू लेवल एग्जामिनेशन दो हजार बीस अगर पे स्केल की बात करें तो लोअर डिविजन क्लर्क एल डी सी के लिए आपको उन्नीस हज़ार नौ सौ से तिरसठ हज़ार दो सौ रुपये मंथली मिलेंगे पोस्टल असिस्टेंट की बात करें तो पच्चीस हजार पाँच सौ से इक्यासी हज़ार एक सौ रुपया मंथली मिलेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर लेवल फोर के लिए आपको पच्चीस हजार पाँच सौ से इक्यासी हज़ार एक सौ एवं लेवल फाइव के लिए उनतीस हज़ार दो सौ से बिरानवे हज़ार तीन सौ तक मंथली मिलेंगे एज लिमिट की बात करें तो एज आपका मिनिमम 18 साल मैक्सिमम सत्ताईस साल होना चाहिए आपको कैटेगरी वाइज एज में छूट मिलेगी एस सी के लिए पाँच साल ओ के लिए तीन साल पी के लिए दस साल पी ओबीसी डी के लिए तेरह साल पी डब्लू डी के लिए पंद्रह साल एक्स सर्विसमैन के लिए तीन साल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एल के लिए आपका बारहवीं पास किसी भी सब्जेक्ट में होना अनिवार्य है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको बारहवीं में साइंस से मैथमेटिक्स होना अनिवार्य है अगर अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इसमें आपका एक सौ रुपया लगने वाला है फीमेल कैंडिडेट एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी एक्स सर्विस मैन को इसमें कोई भी फी नहीं लगने वाला है एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो इसमें आपका एग्जामिनेशन सेंटर रीजन वाइज दिया गया है किसी भी एक रीजन से आप तीन एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं एग्जाम की बात करें तो टीयर वन आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा जिसमें इंग्लिश के लिए पच्चीस प्रश्न रहेंगे पचास अंक के लिए रीजनिंग के लिए भी पच्चीस प्रश्न पचास अंक के लिए मैथ के भी पच्चीस प्रश्न पचास अंक के लिए जनरल अवेयरनेस के लिए 25 प्रश्न 50 अंक के लिए इसमें आपको टोटल 60 मिनट का समय दिया जाएगा अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो वन बाई फोर निगेटिव मार्किंग रहने वाला है सिलेबस की बात करें तो टीयर वन के लिए सब्जेक्ट वाइज सिलेबस दिया गया है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टीयर टू में आपका सौ नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और टीयर थ्री में आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाइड कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा अगर ऑनलाइन अप्लीकेशन डेट की बात करें तो इसका ऑनलाइन अप्लीकेशन 6 नवंबर 2020 से 15 दिसंबर 2020 तक लिया जाएगा फी पेमेंट आपका 17 दिसंबर 2020 तक लिया जाएगा ऑफलाइन चलान आप 19 बारह 2020 तक डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफ़लाइन चलान आप 21 बारह 2020 तक पेड कर सकते हैं अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर वन की बात करें तो इसका एग्ज़ाम 12 चार 2021 से 27 चार 2021 तक लिया जाएगा तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब होता है वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद